तो केंटा ने भाई चैलेंज कर दिया है सीएम पंक को। डार्बी एलन का क्या रिएक्शन रहा सीएम पंक के चैलेंज पर, और साथ ही साथ बात करने वाला हूँ कि सीएम पंक के रिटर्न पर पूरा रेसलिंग वर्ल्ड कैसे रिएक्ट कर रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप लोग। अब देखो ये वाला वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना और लाइक नहीं किया है तो भाई जल्दी से लाइक मार दो। अब चलो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शंस के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बट भाई अभी और भी रिएक्शंस आ रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो पहले भाई टैज ने भी मतलब एक पिक के साथ उन्होंने अपना रिएक्शन शेयर किया और बोला कि देखो बहुत दिनों के बाद ऐसा हमको नाइट देखने को मिला है। तो भाई टैज भी मतलब काफ़ी खुश हैं। इसके बाद टोनी शिवानी ने भी एक पिक अपलोड किया जिसमें कि वो और सीएम पंक एक साथ हैं, और उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि भाई ये जो नाइट है वो पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के लिए एक यादगार नाइट रहने वाली है और कोई भी इसको नहीं भूलने वाला। अब इसके बाद भाई सीएम पंक की जो बेस्ट फ्रेंड है विकी गेरेरो, उन्होंने भी काफ़ी मतलब इमोशनल पोस्ट डाला ट्विटर पर और एक पिक भी अपलोड किया जिसमें कि वो और सीएम पंक एक साथ हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है कि भाई रेसलिंग वर्ल्ड इतना ज़्यादा खुश है सीएम पंक के रिटर्न के लिए। अब इसके बाद भाई कोडी रोड्स के भाई डस्टिन रोड्स ने भी काफ़ी मतलब कह सकते हो काफ़ी इमोशनल पोस्ट डाला है, और इन्होंने भी बोला कि देखो जो पूरा रेसलिंग वर्ल्ड है इस नाइट को कभी नहीं भूलने वाला, और सीएम पंक तुमको फैंस बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सच है। अब इसके बाद हमारे जो एनएक्सटी के सुपरस्टार, एनएक्सटी के रिलीज सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड ने भी एक कह सकते हो पोस्ट डाला है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और फिर भाई बिग शो या फिर कहें पॉल वाइट, उन्होंने भी रिएक्ट किया और बोला कि भाई तुमको देखकर मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और उन्होंने टैग किया सीएम पंक को। इसके बाद भाई सीएम पंक के एक और ख़ास दोस्त जो कि मार्क हेनरी हैं, उन्होंने भी एक काफ़ी मतलब अच्छा पोस्ट डाला जिसमें कि सीएम पंक एंड मार्क हेनरी जो हैं वो गले मिल रहे हैं, और भाई कैप्शन में उन्होंने ये डाला कि भाई तुमको यहाँ पर रिंग के अंदर देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अब इसके बाद भाई सीएम पंक के सपोर्टर या फिर कहें मिक फोली ने भी एक कमाल का ट्वीट डाला जिसमें कि उन्होंने ये लिखा कि देखो मेरा जो ओपिनियन था वो काफ़ी मतलब कह सकते हो सही था, सीएम पंक जो है वो फैंस में काफ़ी ज़्यादा ओवर है। और ये चीज़ तो भाई आज हम लोगों ने देख ही लिया है कि सीएम पंक के लिए फैंस कितना ज़्यादा क्रेजी हैं। अब ये तो भाई हो गए WWE के बाहर के सुपरस्टार। अब बात करते हैं कुछ WWE के सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने इनडायरेक्टली रिएक्ट किया सीएम पंक के रिटर्न के ऊपर। तो सबसे पहले साशा बैंक्स ने ट्वीट डाला और उन्होंने ये बोला कि चलो भाई आज के दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मतलब ऐसा लग रहा है कि साशा बैंक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं सीएम पंक को देखकर। इसके बाद हमारे कीथ ली ने भी एक ट्वीट किया और भाई उन्होंने ये बोला कि जो प्रोफेशनल रेसलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो चुका है और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि भाई कीथ ली ने भी ट्वीट किया सीएम पंक के ऊपर। इसके बाद भाई एजे स्टाइल्स के मेंबर या फिर एजे स्टाइल्स के दोस्त जायंट टोमोस ने भी ट्वीट किया और सिंपली ये लिखा कि भाई इस टाइम को जीने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और भाई मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सीएम पंक को देखकर। वैसे ये चीज़ तो उन्होंने नहीं बोला, बट उनका जो इंटेंशन था भाई वो तो यही था। इसके बाद हमारे MVP ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने सिंपली ये लिखा कि प्रोफेशनल रेसलिंग भाई जो है वो काफ़ी कमाल का होता जा रहा है और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहा हूँ। तो भाई WWE के सुपरस्टार्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब देखो भले ही विंस मैकमैन हेट करते हों सीएम पंक को, बट बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि बिल्कुल पसंद करते हैं सीएम पंक को, और फैंस तो भाई बिल्कुल उनके लिए क्रेजी हैं, जिनमें कि मैं भी बिल्कुल एक हूँ और मैं भी उनके लिए बिल्कुल क्रेजी हूँ। अब देखो डार्बी एलन का भी रिएक्शन आ चुका है सीएम पंक के चैलेंज के ऊपर। तो डार्बी एलन ने सिंपली ये बोला कि चलो भाई सीएम पंक तुमने तो मुझे चैलेंज कर दिया और मैंने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया है, और ऑल आउट के बाद जो लोग हैं वो मुझे जानेंगे और मेरे नाम को बिल्कुल पहचानेंगे। तो भाई डार्बी एलन तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो एटीट्यूड में है, बट ये चीज़ तो कन्फर्म ही है भाई कि ऑल आउट में सीएम पंक उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। अब बात करते हैं केंटा के बारे में। तो इनके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि केंटा ने चैलेंज कर दिया था सीएम पंक को, और भाई जैसे ही आज सीएम पंक ने डेब्यू किया उसके बाद केंटा का एक ट्वीट आ
जाता है जिसमें कि ये लिखा होता है कि भाई इट्स ऑफिशियल गिव मी सीएम पंक। तो भाई इनका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनका मैच जो है वो इन फ्यूचर जरूर हमको देखने को मिलेगा। दोनों सुपरस्टार काफ़ी कमाल के हैं और भाई सीएम पंक जिनका फिनिशर यूज करते हैं वो केंटा का ही फिनिशर है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस मैच को देखने में। अब यही कुछ इस वीडियो में था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और बस मिलता हूँ अगले रेसलिंग वीडियो में। सी यू, बाय बाय।